नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आपके घर जादू टोना कर रहे हैं ये तीन लोग। जी दोस्तों, और समय रहते अगर आप सावधानियों को रखेंगे तो दोस्तों आप बच जाएंगे, वरना आपकी असावधानी आपको धीरे धीरे इनके बुरे जाल में भी फंसा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है, तो इन्हें आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। जी दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी व्यवहार जानकारियों को जानेंगे कि यश में आपके साथ जो भी हालात हो रहे हैं, इनके बुरे जालों से आप किस प्रकार उभर सकते हैं, वह कौन से उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन काल में खुशियाँ ला सकते हैं और सभी बुरी शक्तियों को अपने मन मस्तिष्क से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन शैली पर आधारित बहुत ही खास वीडियो है। ग्रहों का विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर यह वीडियो बनाया गया है। आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कौन से क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहना होंगे ताकि आप बुरे शक्तियों से उभर सकते हैं, और साथ दोस्तों आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में भी क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, साथ ही सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। आपको बता दें कि आप किसी विशेष प्रयोजन को हासिल करने में भी सक्षम रहेंगे। आपको बता दें, लोग आपकी योग्यता के यश में कायल होंगे। कई प्रकार की रुकी हुई पेमेंट भी आपको मिल सकती है, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र में जो भी पेशा फंसा हुआ है यश में आपको मिल सकता है। परंतु दोस्तों, यश में सावधानी की बात करें तो यश में ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको लक्ष्य से भटका सकता है। तो दोस्तों, यश में इन बातों पर आप गौर करें। दोस्तों, मन को संयमित रखें तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। कोई निर्णय लेने में दिक्कत तो आएगी, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, उनमें सुधार आएगा। और इसके उपरांत दोस्तों, ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यात्रा से संबंधित निर्णय में थोड़ा बदलाव आ सकता है। यात्रा करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज और पैसे को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि आपके लापरवाही की वजह से यश में नुकसान होने की आशंका भी बन रही है। तो दोस्तों, खासकर आपको बता दें, यश में आपको इनसे सावधान रहने की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों सतर्कता जरूर रखें। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए आपको अपने जीवन शैली में जो है थोड़ा सा बदलाव लाने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक कोई विशेष कार्य संपन्न होगा। आपको बता दें, घर में नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव हो सकती है। किसी मित्र के दुख दर्द में या फिर उनके तकलीफ में उनकी सहायता करना आपको इसमें आत्मिक खुशी भी प्रदान करेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संपर्क भी इसमें आपके बढ़ने वाले हैं, जो कि भविष्य में आपको आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ बनाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में प्रॉपर्टी अथवा वाहन को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिजूल खर्चों पर यश में आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए आकस्मिक ही कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे। योजना को जो है क्रियान्वित करने में कुछ परेशानी भी यश में आ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम चाहे जो भी हो उनकी गति आगे बढ़ते रहेंगे और परिस्थिति को आप अपने पक्ष में कर भी पाएंगे। आपको बता दें कि पैसे से संबंधित तकलीफें कम भी होंगी, क्योंकि दोस्तों आप अपने कार्यों में बहुत अधिक तरीके से ध्यान को केंद्रित भी कर पाएंगे। परिवार की व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित लाभ मिल पाना यश में के लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। फिर भी दोस्तों, व्यक्ति के प्रति मन में बढ़ते हुए रोष को खुद पर हावी न होने दें, इस बात का ध्यान रखें। आपको बता दें कि दोस्तों आपके अंदर बना गुस्सा और मानसिक तकलीफ होने की वजह से किसी भी बात पर पूरा ध्यान दे पाना यश में आपके लिए कठिन होगा, तो जरूर इन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों, यश समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थी तथा युवा वर्ग शिक्षा संबंधी कोई दुविधा दूर होने से आपको राहत महसूस होगी तथा अपने फैसले स्वयं लेने की हिम्मत भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि घर के बड़े सदस्यों का सहयोग और फिर सलाह आपकी उन्नति में सहायक साबित होंगी। आपको बता दें, यश में अपने अंदर शक और वहम जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें, क्योंकि दोस्तों इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें,
गलत जगह पूंजी निवेश भी हो सकती है, इस बात का यशमय आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बेवजह खर्चा होने की आशंका तो बन रही है, इसलिए कोई भी खर्चा करने से पहले सोच समझ कर निर्णय लेने का आवश्यकता होगा, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हड़बड़ी में निर्णय न लें, ना ही पूरी बात को जाने बिना बूझे निर्णय लें। तो दोस्तों बहुत ही सतर्कता से निर्णय लें, यशमय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काफ़ी दिन से चल रही व्यस्तता के कारण आप जो है यशमय आराम करने के मूड में भी रह सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से मुलाकात आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में सोच विचार अवश्य करें, आपको अवश्य उचित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ध्यान रखें कि दोस्तों बहुत अधिक आत्मविश्वास भी आपके लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकती है, इसलिए यशमय शांत चित्त तरीके से परिस्थिति का मनन करें, आपको बता दें उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। घर के बड़े बुजुर्गों की किसी भी बात की जो है अवहेलना ना करें, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में घटी घटनाओं की वजह से यशमय आपको फिर से तकलीफ होने की आशंका बन रही है, जिसकी वजह से पूरा दिन पूरा जो समय होगा आपके लिए इनसे संबंधित नई योजना बिगड़ सकती है। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें और अपने मानसिक तनाव को दूर करने की यशमय प्रयास करें। आप इनमें मेडिटेशन में भी ध्यान दे सकते हैं, इनसे आप काफ़ी आत्मिक खुशी का जो है महसूस कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसी महत्वपूर्ण बात को सुलझाने का मार्ग भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए भावनात्मक तकलीफ से दूर न भागें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर व्यवस्था में कुछ परिवर्तन संबंधी योजनाएं चल रही है तो दोस्तों उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, जल्द ही उचित परिणाम सामने आएंगे। परंतु ये जो समय है आपके लिए धन के लेन देन संबंधी कोई भी कार्य ना करें, दोस्तों ये आपके लिए यशमय महत्वपूर्ण होंगे, तो इस बात पर गौर करें। मार्च के उपरांत दोस्तों यशमय व्यवसायिक गतिविधियाँ समान ही रहेंगी, यशमय विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श भी होगा। नई पार्टियों से ऑर्डर लेते समय सोच समझकर निर्णय लें। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में कोई भी डील यशमय संभव ही हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों से संबंध आपके लिए नई उपलब्धियां का प्रदान करेंगे। परंतु यशमय राजकीय मामलों को लेकर सचेत रहना आपके लिए जरूरी होगा। ऑफिस में बॉस अथवा उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है, इस बात पर गौर करें। यशमय धैर्य और संयम का दामन आपको थामे रखना है, इस बात पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है, आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी, टैक्स लोन जैसे मामलों में कुछ उलझने भी उत्पन्न हो सकती है, नौकरी पेशा व्यक्तियों की पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं, इसलिए अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप निष्ठा से नहीं करेंगे तो फिर आपकी पदोन्नति में विघ्न आ सकते हैं, तो इस बात पर गौर करें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा, पुरानी यादें भी ताजी होंगी तथा आपसे संबंधों में भी मजबूती आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि घर परिवार का वातावरण यशमय अनुशासित तथा व्यवस्थित बना रहेगा, आपसे संबंधों में भी मधुरता और उचित तालमेल बना रहेगा। इसके साथ दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यस्तता के साथ साथ विवाहित संबंधों तथा घर परिवार के लिए समय अवश्य निकालें, इससे आपसी सामंजस्य तथा प्यार बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय यशमय नष्ट ना करें, इनसे आपको यशमय सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें विवाहित जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, क्योंकि दोस्तों आपका गुस्सा इसमें प्रेम संबंधों में तकरार उत्पन्न कर सकता है, इस बात पर गौर करें। साथ ही प्रेम संबंधों में इसमें नजदीकी आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय शारीरिक और मानसिक आराम भी आपको करना जरूरी है, इसमें कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालें और मनोरंजन आदि में समय को व्यतीत करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर होंगे। इसके साथ ही कुछ नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी होंगे, जिनका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। मेडिटेशन तथा योगा भी आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो आए दोस्तों अंत में बात करते हैं, आपको जादू टोने से बचने के लिए या फिर जादू टोने से पीड़ित हैं उनसे आपको बरने के लिए कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों ऊपरी हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें।
और पीड़ित व्यक्ति को पिला दे। 108 बार गायत्री का जाप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है, आप इन्हें भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदे मिलाएं। अब घर की छत के नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर दूध की छींटें, हनुमान चालीसा का पाठ या फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। साथ ही आपको बता दें कि रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बाह पर काले धतुरे की जड़ बांधने से ऊपरी हवाओं से भी या फिर काले छाया से भी आपको मुक्ति मिलती है, आप इन्हें भी कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों, लहसुन के रस की हींग घोलकर आंख में डालने या फिर सूंघने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आप इन उपायों को करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। काला जादू टोना या फिर कहें काले छाए से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, और इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।